खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। देवरिया के बाद कानपुर देहात में भी जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मामला तकरीबन 40 साल पुराना है, जब जमीन खरीद फरोख को लेकर विवाद हुआ था। 40 साल पुरानी दिल में तीस बसी हुई थी और कल देर रात गाड़ी खड़ी करने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के शहजादपुर ननैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर मौत को ऐसी इबारत लिखी गई जिससे सारा इलाका थर्रा गया। गांव के रहने वाले मोहन शुक्ला ने तकरीबन 40 साल पहले गांव किनारे रामवीर से 2 बिस्वा जमीन खरीदी थी। मोहन शुक्ला के हालात ऐसे नहीं थे क्योंकि जमीन पर वे अपना मकान बनवा ले। रामवीर भी अपनी जमीन वापस लेना चाहते थे, लेकिन दोनों लोग हैरान परेशान थे, पैसा दोनों के पास नहीं, इसलिए इस जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों में तानातनी रहती थी। 40 साल बाद दिल में जो टीस थी वह बाहर आ गई और कल देर रात महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर मोहन शुक्ला और रामवीर में विवाद हो गया और कुछ ही देर में ये विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मोहन शुक्ला ने अपने बेटों के साथ मिलकर रामवीर के परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें रामवीर और पतरची लोहार की हत्या कर दी। रामवीर और पतरची दोनों सगे भाई थे। इस हमले में रामवीर के परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें कानपुर देहात से कानपुर नगर हेलड अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। थाना गजनेर गाँव साजापुर निर्णया में कल देर रात को 2 परिवार के बीच में झगड़ा हुई है। एक मोहन शुक्ला और एक सत्यनारायण लोहार जी के बीच में मेनली ये जो है एक सत्यनारायण जी के ही रामवीर परिवार का सदस्य है। उनके एक कॉलोनी सैंक्शन हुई थी, वहाँ पर वो कॉलोनी सैंक्शन के बाद अपना घर बनवाने के लिए ईंट वगैरह मतलब वो सब भी मंगवाए थे। वहीं पर उसी के बगल में मोहन शुक्ला अपना पिकअप गाड़ी जो है खड़ा करता था। तो प्रथम दृष्टया यही बात समझ में आ रहा है, कल रात को ये पिकअप गाड़ी लगाने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ कि ये जो मृतक पक्ष है उन्होंने ये कहा कि हमारे ज़मीन में आप क्यों मतलब अपनी पिकअप गाड़ी लगा रहे हो। तो उसी पे कुछ लोग उस समय पे कुछ दारू भी पिया हुआ था, तो बात बड़ी है और उसी के प्रतिपक्ष में मतलब इनके बीच में झगड़ा हुआ है और 6 लोग जो है इंजर्ड थे। जो सत्यनारायण लोहार जी के पक्ष के लोग उनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया। चिकित्सा के दौरान एक व्यक्ति हैलेट हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, बाकी लोग सामान्य है, स्थिति सामान्य है और बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।